पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस। आज मैं जो बताने जा रहा हूं उस टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान देखते हैं हम इसकी, से रहा था, से रहे थे, से रही थी। हिंदी के वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आते हैं, अर्थात पास्ट टेंस में कोई काम जारी है और किसी अवधि से, कितने समय से वो काम चल रहा है, इस चीज का बोध होता है। सबसे पहले हम स्वीकारात्मक वाक्य एफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन देखते हैं। शुरू में सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर अगला हेल्पिंग वर्ब बीन, उसके बाद वी वन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई एन जी, उसके बाद टाइम को मेंशन करने के लिए सिंस या फॉर दोनों में से एक लगता है, उसके बाद प्लस टाइम फुल स्टॉप। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, नकारात्मक वाक्य। शुरू में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड हेल्पिंग वर्ब, थर्ड नंबर पे नॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी, प्लस सिंस या फॉर में से एक लगेगा, प्लस टाइम। अब देखते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। शुरू में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, प्लस सिंस या फॉर में से एक लगेगा, उसके बाद टाइम क्वेश्चन मार्क। फोर्थ काइंड ऑफ सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। शुरू में हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर थर्ड नंबर पे नॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब बीन, वी वन आई एन जी, प्लस फिर सिंस फॉर में से एक लगेगा, प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हेड अकेला हेल्पिंग वर्ब है, दैट विल बी यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट्स एंड विद ऑल प्रोनाउंस, सभी प्रोनाउन के साथ लगेगा, सभी सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अकेला है। अब बात करते हैं सिंस किसके साथ लगेगा और फोर किसके साथ लगेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय से पहले लगता है। एग्जाम्पल है सिंस 1990, सिंस ट्यूजडे, सिंस मार्च, सिंस मॉर्निंग। फोर का प्रयोग, फॉर इज यूज्ड विद द पीरियड ऑफ टाइम, ये अनिश्चित समय से पहले लगता है। फॉर थ्री डेज, हमें ये नहीं पता है कि पास्ट में कोई कार्य कितने समय पहले से चल रहा था। फॉर टू मंथ्स, फॉर फाइव ईयर्स। आइए दोस्तों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज देखते हैं, इसका यूज किस प्रकार से होता है। इट इज यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन टू प्लेस इन द पास्ट, अर्थात पास्ट में दूसरा काम शुरू होने से पहले कोई पहला काम चल रहा था किसी निश्चित समय से, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैड बीन सॉल्विंग द सम्स फॉर टू आवर्स व्हेन यू जॉइंड अस, हम दो घंटों से सवालों को हल कर रहे थे जब आप हम में आके शामिल हुए। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, द चाइनीज हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर वॉर फॉर मेनी ईयर्स, चीन देश के जो लोग थे वे युद्ध के लिए बहुत से वर्षों से तैयारी कर रहे थे। आइए दोस्तों अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हुए हिंदी के वाक्य को किस प्रकार अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, किसान खेतों में दो दिनों से पानी दे रहे थे, पहचान अंत में रहे थे, समय का वर्णन है, दो दिनों से वे काम कर रहे थे, तो यहां पर आएगा द फार्मर्स हैड बीन वाटरिंग फॉर टू डेज, पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, इसलिए यहां पर फोर लगेगा। अब इसका नेगेटिव देखते हैं, किसान
दो दिनों से पानी नहीं दे रहे थे. The farmers had not been watering. पानी देने के लिए वाटर होता है, वर्ब में काम कर रहा है. Had not been watering the fields. For 2 days. Declarative है, full stop लगेगा. अब देखते हैं इसका interrogative. क्या किसान दो दिनों से पानी दे रहे थे? Had the farmers been watering the fields for 2 days. इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा. इसका फोर्थ वन देखते हैं. क्या किसान दो दिनों से पानी नहीं दे रहे थे? हैड द फार्मर्स नॉट बीन वॉटरिंग द फील्ड्स फॉर 2 days. एक और बताता हूं. अध्यापक नौ बजे से पढ़ा रहा था. यहां पहचान देखते हैं. वाक्य के अंत में रहा था, से रहा था. समय का वर्णन है 9 बजे. द टीचर हैड बीन टीचिंग. क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, इसलिए यहां पर सिंस लगेगा. द टीचर हैड बीन टीचिंग सिंस 9 o'clock. इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हो. यदि ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.